ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानमिरान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाक्य चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीमद्भक्तवृन्द। बोलिए सब एक साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये जो कक्षा करेंगे, आप सबसे रिक्वेस्ट है, मुझे पता है कुछ भक्त टेंट के बाहर खड़े हैं, कुछ टेंट के पीछे खड़े हैं, किसी को किसी से छुपने की जरूरत नहीं है, अंदर आके बैठ जाइए, खूब सारा जगह है, खड़े रह के कष्ट पाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से, श्रीमद् भागवतम वैसे 12 स्कंद हैं, पर आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3वें श्लोक को डिस्कस करेंगे। हाँ, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 3वें श्लोक के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोशिश थी कि हम प्रोजेक्टर होता तो आप सब लोग श्लोक को देख पाते, पर अगली बार कोशिश करेंगे। मैं श्लोकों का उच्चारण करूंगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। धेनु नाम नियोते प्रादात विप्रे भय संलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नो घशाकुम्भा पंभां परावृतान। हरे कृष्णा। अभी हम लोग श्लोक का अनुवाद देखेंगे। धेनु नाम दुधारो गायों का, नियुते 20 लाख, प्रादात दान में दिया, विप्रे भयः ब्राह्मणों को, समलंकते पूरी तरह सज्जित, तिल अत्रिन तिल अन्न के पहाड़, शब्द सात रत्न ओगशात कौंब अंबर आवृतान, रत्नों तथा सुनहरे किनारे वाले वस्त्रों से ढके। अभी हम लोग श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे। नंद महाराज ने, सुनिएगा ध्यान से, कोई मत, नंद महाराज ने ब्राह्मणों को वस्त्रों तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गायें दान में दी। कितनी गायें दान में दी? हरी हरी। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके, तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। तात्पर्य में श्लोक प्रभुपाद, इसमें श्लोक में तात्पर्य नहीं है। तो आज हम लोग जो कक्षा करने वाले हैं, इस कक्षा का मूल स्रोत एक दिल्ली में वरिष्ठ कृष्ण है, दिल्ली के मंदिर अध्यक्ष हैं सोन रो बबलू जी। कक्षा के सार से ही मैं आपको सारा जो किसान सुनाने वाला हूँ वो सुनाने का प्रयास करूंगा। ये कक्षा क्यों की जाती है? समाज में लोगों को लगता है कि सिर्फ भगवान का कार्य है, लेकिन जब समाज को भगवत शिक्षा दी जाएगी तो वास्तविकता में समाज में परिवर्तन आएगा। आप जानते हैं ठाकुर जी का बर्थडे कब का है, जन्मदिन कब का है ठाकुर जी का? आज का है। कोई वार बता सकता है कौन से दिन के, जैसे सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे कौन से वार पे ठाकुर जी का जन्म है, कौन बता सकता है? आज तो शुक्रवार है, आज का नहीं बोल रहा, जब एक्चुअल में हुआ था दिन बुधवार था। कौन सा वार था? बुधवार था। जन्म कुंडली सब बनवाते हैं, जन्म कुंडली में एक नक्षत्र होता है जिसको बोलते हैं रोहिणी नक्षत्र। तो ठाकुर जी का आविर्भाव आज की अष्टमी के दिवस पे रोहिणी नक्षत्र में हुआ है, बुधवार के वार पे ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है, ऐसा शास्त्र में बताया जाता है। अभी वर्तमान में जिस मनु में हम हैं उस मनु का नाम है वैवस्वत मनु। क्या नाम है हमारे मनु का? वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु के
28वें चतुर्युग में नरस्वत मनु के 28वें चतुर्युग में भगवान का द्वापर युग में समापन के समय क्या होता है, आविर्भाव दिवस होता है, यानी बर्थडे आता है। हम में से किस किस का जन्मदिन आता है, हम में से किस किस का जन्मदिन आता है, सबका आता है, आता है नहीं आता है? आप अपने बर्थडे पे चाहते हो ना कि सब आपको एटलीस्ट ये बोले जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऐसा हम चाहते हैं नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में बोलिए, प्रसाद मिल जाएगा, घबराइए मत। इसलिए जब हमारे पास में जन्माष्टमी है तो हमें ठाकुर जी को क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कौन बताएगा? जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? हाँ या ना बोल दीजिए, सो गए हैं। यस, वेरी गुड। तो आज क्या बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 28वें श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी वर्णित करते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? कृष्ण है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में, श्रीमद् भागवतम की अपनी टीका में बताते हैं, क्या लिखते हैं, नमस्तु आत्मजः उत्पन्ने। तो ये शास्त्र में नमस्तु करके जो शब्द आता है, इसमें जो ये लास्ट में शब्द है तू, इसके बगैर भी ये वाक्य अपने आप में, शास्त्रिक वाक्य अपने आप में परिपूर्ण है। लेकिन श्रीलाल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा लिखते हैं श्रीमद् भागवतम की अपनी टीका में कि इस नमस्तु के उच्चारण से, इस नमस्तु को लिखने से क्या लाभ होता है, कि भगवान कौन है, कृष्ण, इसके विषय में पूर्ण ज्ञान क्या होता है, इस श्लोक के इस शब्दावली से प्राप्त होता है। इसलिए हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं और जो उनकी टीकाएं हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम किसी शिक्षा की पद्धति में जब जुड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, तो हमें सरकार एक किताब बताती है, उस किताब को पढ़ना पड़ता है, उनके बताए एग्जाम में बैठना पड़ता है, पास होना पड़ता है, तभी हमें डिग्री मिलती है। ठीक उसी प्रकार से आध्यात्मिक जीवन में भी हमें क्या करना पड़ता है, पूर्ववर्ती आचार्यों की बताई टीकाओं के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, हमारे आध्यात्मिक जीवन को जीना पड़ता है। बाल्यकाल की अवस्था से ही एक शिशु की क्या है, ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, सेंस चाइल्डहुड, बचपन से ही ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इसी तरह से भगवत शिक्षा भी बाल्यकाल से ही शुरू हो जानी चाहिए। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में स्वयं वर्णित करते हैं, हरे कृष्णा शांति की, 5वें स्कंध में स्वयं प्रहलाद महाराज क्या वर्णित करते हैं कि 5 वर्ष की आयु से बच्चों की भगवत शिक्षा शुरू होनी चाहिए। कितने वर्ष की आयु से? हम सबकी आयु 5 साल से ज्यादा हो चुकी है, हम सबकी आयु 5 साल से ज्यादा हो चुकी है ना, लगभग लगभग। तो जितने साल लेट हो गया है उतने साल हमें तेजी से क्या करना पड़ेगा, माला करनी पड़ेगी। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंध में स्वयं प्रहलाद महाराज उच्चारण कर रहे हैं। आपको मेरी बात से यकीन ना हो तो आप श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम मंदनम पाद सेवनम दास्यम साक्ष्यम आत्म निवेदनम, नवदा भक्ति का ये महान ज्ञान स्वयं प्रहलाद महाराज ने मात्र 5 वर्ष की आयु में पूरे संसार के सामने प्रस्तुत किया है। ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा जिसने 6 महीने में भगवान को संसार के सामने प्रस्तुत किया, 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवतम के 7 कैंटो में इसका वर्णन आपको स्पष्ट रूप से मिल जाएगा। आपको अगर मेरी बात यकीन नहीं है तो श्रीमद् भागवतम को आप पढ़ सकते हैं, सतीश प्रभु यहीं रहते हैं, बेस के अंदर श्रीमद् भागवतम का पूरा सेट है, पूरे 12 स्कंद जिसमें 24,000 श्लोक हैं, वो सारे श्लोकों के ऊपर टीकाओं के साथ में श्रील प्रभुपाद ने तपस्या करके हमारे लिए सारे पूर्ववर्ती आचार्यों की टिप्पणी के साथ में हमें दिया है। लेकिन हम क्या है, कोर्स की किताब ही नहीं पढ़ते हैं तो भगवत शिक्षा की किताब कहां से पढ़ेंगे। सत्य यही है, इसलिए हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चा शिक्षित तो हो धार्मिक नहीं, और हमें क्या प्रयास करना है कि हम अधिक से अधिक मात्रा में हमारा जो समाज है उसको हम शिक्षित तो कर रहे हैं लेकिन उसे हम आध्यात्मिक शिक्षा भी साथ के साथ प्रदान करें। ये वर्तमान समाज के वरिष्ठ का दायित्व है और युवा पीढ़ी का स्वयं का दायित्व है कि वो क्या करें, अपने आप को आध्यात्मिक शिक्षा के लिए शिक्षित करें।
वो ये नहीं कह सकते कि हमारी तो कोई रुचि नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्या होता है, हमें उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने दायित्व से अगर मुख फोड़ेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक जीवन में समस्या फेस करनी पड़ती है। आगे क्या बताते हैं, आज किस किस ने फास्ट रखा है, उपवास किस किस ने रखा है, हाथ खड़ा करिए। पुरुषों को धर्म के लिए कोई रुचि नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम तो सिर्फ माताओं के लिए होते हैं, प्रभु जी लोगों के लिए तो शराब का ठेका है ना, या गुटखे की पुड़िया है, या सिगरेट है, माताओं के लिए मंदिर मूर्ति पूजा है ना, अच्छा विभाजन किया है समाज में, नहीं है ना। आज के दिन ऐसा बताया जाता है, भविष्यंतर पुराण के अंदर बताया जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ने आज के दिन व्रत उपवास रखा है उसे 20 करोड़ एकादशियों का एक साथ लाभ प्राप्त होता है। कितनी एकादशियों का? 20 करोड़ एकादशियों का। अरे रुपए की बात नहीं चल रही है, एकादशी की बात चल रही है। आज के दिन उपवास रखने से 20 करोड़ एकादशियों का लाभ एक साथ प्राप्त होता है। अब देख लीजिए, हम सबने एक साथ एक दिवस पे उपवास ना करके 20 करोड़ एकादशियों का जो प्रसाद स्वादन है वो एक साथ खोया है। अभी समझ में आ रहा है? साथ ही साथ में ब्रह्म वैवर्त पुराण में धर्मराज युधिष्ठिर माता सावित्री से क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति जिसका भारत में जन्म हुआ है और जिसने जन्माष्टमी के पर्व को मनाया है, ऐसे व्यक्ति के पिछले 100 जन्मों के पाप का क्या होता है, नाश हो जाता है। हरी हरी। आप सब लोगों ने यहाँ पे प्रयास करके ये जन्माष्टमी मनाने का प्रयास किया है तो श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका वर्णन आता है कि ऐसा व्यक्ति, ऐसा कौन बोल रहे हैं, स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि 100 पिछले जन्मों के पाप का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। और साथ ही साथ में जीव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की टीका में क्या बताया है कि अपने ग्रंथ का नाम है लघु वैष्णव तोषणी, उसमें वो बताते हैं कि नंद महाराज और वासुदेव भी क्या है, आपस में भ्राताश्री है। क्या है? भ्राताश्री। सुनिए, थोड़ा गांव में हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि हम को ताऊ हो और दादू हो और यूं करके जोड़ा ना ना परिवार में, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अभी वासुदेव के जो दादा है महाराज, क्या बोलेंगे, दादा श्री, वो कौन है, देववीण है। उनका नाम क्या है? देववीण। और देववीण की दो धर्म पत्नियां थी। ये पिछले समय के राजा हैं, राजाओं को शास्त्र के अनुसार अनुमति थी कि वो एक से अधिक पत्नी रख सकते थे। अभी हमें इस आइडिया से इंस्पायर नहीं होना है। उनकी एक पत्नी जो थी वो क्षत्रिय से थी और दूसरी वैश्य समाज से थी, मतलब जो गौ पालक थे। तो जो क्षत्रिय पत्नी थी उनसे उनको पुत्र हुआ सुरसेन, जिससे उनको हुए वासुदेव। और जो उनकी वैश्य पत्नी थी उससे उनको पुत्र हुआ पारजन्यम, और पारजन्य के पुत्र थे नंद महाराज। तो इस प्रकार से यदि हम ध्यान से देखेंगे तो वासुदेव महाराज के और नंद महाराज के जो दादा हैं देववीण, वह एक ही है, इसलिए एक ही परिवार से है, जिसको अपने बोलते हैं ना काका ताता काका ताऊ के परिवार से, उसी तरह से इनके जो दादा हैं वो एक ही है। ये कोई ऐसे नहीं थे कि नंद महाराज और वासुदेव का आपस में कोई आध्यात्मिक या भौतिक संबंध नहीं था। ये क्या है, एक ही कुटुंब है जिसके परिवार में भक्त ने जन्म लिया, अब भगवान ने स्वयं ने जन्म लिया। इसलिए ठाकुर जी के नंद महाराज ने जब अपने पुत्र का जो जन्मोत्सव होता है जो 7 दिन में करते हैं, हम उसे सूरज पूजन बोलते हैं हमारी भौतिक भाषा में, तो लेकिन जब नंद महाराज ने अपने पुत्र की जन्म पे जब उत्सव किया तो ऐसा बताया जाता है कि नंद महाराज के पास में 1 करोड़ से भी अधिक गाय थी। या कोई ऐसा है जिनके पास में 10 से ज्यादा गाय है, 10 से अधिक? नंद महाराज के पास में कितनी गाय थी? सो गए क्या? हरे कृष्णा, कितनी गाय थी नंद महाराज के पास में? 1 करोड़। और उन्होंने क्या किया, 1 करोड़ गायों में से रत्न और सुनहरे गोटों से बने वस्त्र अपने
माता है जो ओढ़ना ओढ़ती है, उसमें गोटा लगता है, राजस्थान में तो गोटा शब्द सबको ही पता है। तो ओढ़ने पे जो गोटा लगा होता है उस वस्त्र से ढके हुए 7 दिन के पहाड़ और ब्राह्मणों को 20,00,000 गाय दान में दी। कितनी गाय? 20,00,000 गाय उन्होंने दान में दी, और 7 तिल के पहाड़ जो कि सुनहरे वस्त्र जिसपे रत्न भी थे और गोटे भी थे। हाँ, आज की गाय को तो थैली खानी पड़ रही है, हाँ, लेकिन जब नंद महाराज के समय पे गाय होती थी तो गाय के शरीर पे भी आभूषण हुआ करते थे। आज के हमारे वर्तमान समाज में तो स्त्री के शरीर पे आभूषण नहीं हो पा रहा है, हाँ, पर हमारे जो पूर्ववर्ती समाज था उस समाज में गायों को भी सुंदर वस्त्र पहना के उनके शरीर पे भी सोने के आभूषण पहनाए जाते थे। हमारा समाज इतना आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से संपन्न था, हमारा आध्यात्मिक धरोहर इतना विशाल है। और नंद महाराज ने क्या किया, इस प्रकार से अपने संतान अपने पुत्र की जन्माष्टमी पे उन्होंने क्या किया, फंक्शन किया। स्नान से, ये ध्यान से सुनिएगा, स्नान से शरीर साफ होता है, सफाई करने से मलिन वस्तु, तपस्या करने से इंद्रियां पवित्र होती हैं, धरती तथा संपत्ति शुद्ध हो जाती हैं। काल क्रम के अंदर चाहे आपके पास में धरती कितनी भी अधिक क्यों ना है और संपत्ति कितनी भी अधिक क्यों ना है, काल क्रम में वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। संस्कार अनुष्ठान से जन्म शुद्ध होता है। यदि कोई व्यक्ति संस्कार का पालन करता है और तो उसका जन्म से क्या होता है, उसका जन्म शुद्ध होता है। और पूजा और दान करने से ब्राह्मणों को कर्म के अनुसार वो क्या है, उसका धन पवित्र होता है। यदि कोई व्यक्ति वास्तविकता में संस्कार आदि का पालन करता है और पूजन करता है तो वो क्या करता है, अपनी संपत्ति को क्या करता है, पवित्र बनाता है। और संतोष रखने से मन पवित्र होता है और कृष्ण का ज्ञान प्राप्त करने से आत्मा पवित्र होती है। इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन में हमें रुचि दिखानी चाहिए। किसी को पता नहीं है, कोरोना यहाँ भी हुआ था, रामपुरा में कोरोना आया था, किसी ना किसी का तो हरिबोल हुआ ही होगा, हमारा भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, अधिक से अधिक मात्रा में क्या करना है, संभवतः प्रयास करना है कि जैसे जैसे हम लोग भगत जी को प्रेरित, संसार में जब किसी संतान की उत्पत्ति होती है तो वो रोता है। ऐसा हो सकता है क्या, अगर ये संसार वाकई सुख का स्थान होता तो बच्चा बाहर निकल के रोता क्यों? आप एक एक क्षण के लिए कल्पना करिए कि आप किसी कमरे में प्रविष्ट होते हैं और वहां से आप रोते हुए बाहर निकलते हैं। माता का गर्भ क्या है, एक एक मलमूत्र का थैला है जिसमें संतान क्या होता है, प्रविष्ट होता है, और जब बाहर निकलता है तो रोता हुआ निकलता है। इसका मतलब अंदर कोई आनंद की स्थिति नहीं रही होगी। यदि आप किसी कमरे में प्रवेश करें और रोते हुए बाहर निकलेंगे, इसका मतलब वहां पे कोई अच्छी स्थिति नहीं थी, किसी ने आपको डांटा है, किसी ने आपको कुछ कहा है, या आपको थोड़ा अच्छा दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए आप वहां से बाहर रोते हुए निकले हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम लोग बहुत खुश हैं संसार में, है ना, हैप्पी बर्थडे में हम लोग दिया जलाने के बजाय करते हैं बुझाते हैं, दूसरा साल हुआ 2 बार बुझाते हैं। और ये एक तरह से संकेत भी है कि हम हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, सर्वनाश कर रहे हैं। एक सांकेतिक संकेत भी है कि हम लोग हमारे जीवन को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए आज की जन्माष्टमी पे हमें क्या प्रयास करना है कि हम कैसे ये संकल्प ले सकते हैं कि मैं मेरे जीवन में भगवत तत्व को जोड़ूंगा। देखिए कलयुग का क्या प्रभाव है, अभी शराब का ठेका होता तो सब लोग वहां पैसे दे के जाते हैं, और यहाँ पे जब सबको प्रेम पूर्वक आमंत्रण दिया जाता है, ध्रुव जी आइए यहाँ बहुत कथा होगी, कोई नहीं आना चाहता। ये कलयुग का प्रभाव है। कितनी सुंदर परिस्थिति है हमारी समाज की, शराब के ठेके पे व्यक्ति पूरे दिन की अपने पूरे परिवार की संपत्ति को खर्च करके उसको बर्बाद करने के लिए उस ठेके और परिवार के साथ उपद्रव करेगा, लेकिन अगर उसे धार्मिक जीवन से जुड़ने के लिए बोला जाएगा तो वो क्या करेगा, एंट दिखाएगा, वो नहीं हूं, ये कर लूंगा,
बोलते हैं मुझे हरे कृष्णा। यदि आप किसी व्यक्ति को बोलेंगे ऐसे इस तरफ किसी व्यक्ति को बोलेंगे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा नहीं बोल पाएगा वो व्यक्ति, एंट टूट जाए है। हरे कृष्णा का जवाब हरे कृष्णा देने से एंट में थोड़ी सी खेंट आ जाती है। ये हमारे वर्तमान में समाज की स्थिति है, इसलिए हमें क्या करना है, प्रयास तो करें एटलीस्ट कि हम लोग क्या करेंगे, भगवान को हमारे जीवन में जोड़ने का प्रयास करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारे पास में समय बहुत कम है और कार्यक्रम बहुत सारे देश हैं। हरे कृष्ण जगत गुरु श्रीलाल प्रभुपाद के जय, निदाय गौर प्रेमानंद श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव के, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के। जो लोग बाहर चले गए हैं सिद्धांत को सुनने के चक्कर में, क्लास बोरिंग लगती है, वो अब अंदर आ सकते हैं। हरे कृष्ण, अब ड्रामा होगा जो हम सब अपने घरों में अच्छे से कर रहे हैं, स्कूल में, परिवार में, सब जगह हम जो ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा ही एक ड्रामा अब यहाँ भी करेंगे। तो जो बाहर चले गए हैं कक्षा के भय से, डरो मत, वापस आ जाओ। अब भगवान के विषय में आपको नहीं बताएंगे, अब सिर्फ मन का रंजन होगा, आध्यात्म